The dielectric strength of air is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. A parallel plate air capacitor has area 20 cm square and plate separation 0.1 mm. Find the maximum RMS voltage of an alternating current source which can be safely connected to this capacitor. पहले तो जानते हैं dielectric strength होती क्या है air की. The dielectric strength of air is the maximum electric field that air can handle before it becomes conductive. तो dielectric strength of air का मतलब क्या है? Maximum electric field E, जो given है क्वेश्चन में 3 into 10 to the power 6 volt per meter. कैपेसिटर के केस में हम जानते हैं V, E और D में जो रिलेशन होता है, D यहाँ पर होता है दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस, इक्वल टू वी बाई डी. पर यहाँ पर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका मैक्सिमम होगा. तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज निकाल लेंगे, ई नोट इंटू डी. ई नोट है 3 × 10⁶ और जो डी गिवन है वो है हमारा 0.1 mm, मीन्स 0.1 × 10⁻³ meter, इट विल बी इक्वल टू 300 volt. क्वेश्चन में हमसे RMS वोल्टेज पूछ रहा है, तो RMS वोल्टेज वी नोट बाई रूट टू के इक्वल होगा, मीन्स 300 बाई रूट टू. जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 212 volt के आसपास आएगा.